everyone, I'm Bhavna Sahani, back with a new video for class 11th microeconomics chapter 1 introduction. And in this video we are doing the part 3 of the chapter. Jisne abhi tak part 1 or part 2 nahi kiya hai, kindly see my videos, kindly see the description box. Uska link niche description box mein diya gaya hai. So let's get started with part 3 of this video. आज की वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला टॉपिक है पीपीएफ. ऑलराइट, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है पीपीएफ एंड वी कॉल इट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ऑलराइट, व्हाट वी कॉल इट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नेक्स्ट टॉपिक है एजम्पशंस फॉर पीपीएफ की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए क्या क्या एजम्पशंस ली गई है. फिर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी. ऑलराइट, फिर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, दिखने में लग रहा है कि बहुत कुछ है बट ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है. फिर आता है एमआरटी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ. पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीपीएफ की प्रॉपर्टीज क्या है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करूं, सो दीज आर द अदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री. टीसी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. टीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर. टीबी, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. ठीक है, अब पीपीएफ बनता कैसे है? पीपीएफ ऐसे बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कॉनकेव शेप में एक कर्व बना दो, दिस इज नोन एज पीपीएफ. तो पीपीएफ है क्या? पहला पॉइंट ये है कि पीपीएफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज पीपीएफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसमें जितने भी गुड्स बन रहे हैं, दो गुड्स बन रहे हैं और जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उन दो गुड्स के, वो आते हैं पीपीएफ में. उस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा पीपीएफ. अगर मैं पीपीएफ एग्जैक्टली दिखाऊं क्या होता है, तो उससे पहले आप लोगों को ये अजम्पशंस पढ़नी पड़ेगी. और अजम्पशंस में ये है कि जो हमारी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है. फिक्स्ड रिसोर्सेज है, वो ज्यादा नहीं है ना बढ़ सकती है, दे आर फिक्स्ड. ठीक है, और इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि एक रिसोर्स अलग अलग चीजों के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट आता है कि हमारी रिसोर्सेज में सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करे जाएंगे. राइट, कंप्लीट यूज करे जाएंगे, वो नहीं बचेंगे. उसके बाद जो रिसोर्सेज है दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड. रिसोर्सेज फुली एफिशिएंट नहीं है गुड्स की प्रोडक्शन के लिए. और नेक्स्ट आता है जो टेक्नोलॉजी है रिसोर्सेज की, वो बहुत ही फिक्स्ड है, वो ना अपग्रेड हो रही है ना वो डिग्रेड हो रही है. तो जो टेक्नोलॉजी है फिक्स्ड है. उसके बाद आपने पढ़ना है कि पीपीएफ का टेबल कैसे बनता है. ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज हमारी अवेलेबल है उससे दो गुड्स बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में हमारे दो गुड्स बन रहे हैं, एक बन रही है गन्स और एक बन रहा है बटर. दूसरा मैंने एक अजम्पशन बताया था कि रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स. मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे गुड्स पूरे पूरे नहीं बना सकते. या तो वो गन्स ज्यादा बनाएगी बटर कम बनाएगी, या फिर वो बटर ज्यादा बनाएगी और गन्स कम बनाएगी. तो अगर हम एक गुड ज्यादा बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम हो जाती है. राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सारे के सारे रिसोर्सेज 21 गन्स बनाने में यूज कर लिए और हमने बटर बिल्कुल भी नहीं बनाया. फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक गन को सैक्रिफाइस कर लिया, 21 से 20 आ गए. और जहाँ पे हमने एक गन को सैक्रिफाइस किया वी आर गेनिंग वन बटर. तो वहां पे हमने एक बटर की प्रोडक्शन को बढ़ा लिया. अब यहाँ पे हमने दो गन्स को सैक्रिफाइस किया तो हमने एक गन बटर को और बढ़ा लिया. फिर यहाँ पे हमने तीन गन्स को सैक्रिफाइस किया, वहां पे एक बटर को और बढ़ा लिया. फिर यहाँ पे हमने चार गन्स को सैक्रिफाइस किया, एक बटर को और बना लिया.
फिर यहाँ 5 गन्स को सैक्रिफाइस किया, 1 बटर को और बना लिया, फिर यहाँ पे हमने 6 गन्स को सैक्रिफाइस किए और 6 बटर बना लिए। तो अगर हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड को गेन करना है तो हमें मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अदर गुड को सैक्रिफाइस करना होगा। एक गुड्स की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करने के बाद ही हम एक दूसरे यूनिट की, एक दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिर आता है एमओसी। एमओसी इज कि वो मेजर करना है आपने कि आपने क्या सैक्रिफाइस किया है और कितना सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो ये आपका आ गया डैश। यहाँ पे आप 21 से 20 आ गए तो आपने 1 गन को सैक्रिफाइस किया, फिर उसके बाद आपने 2 गन को सैक्रिफाइस किया, फिर 3 गन को सैक्रिफाइस किया, फिर 4 को किया, फिर 5 को किया, फिर 6 को किया। तो ये हो गया एमओसी, दैट मीन्स द नंबर ऑफ गन्स यू आर सैक्रिफाइसिंग टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द बटर, ऑल राइट। और एमआरटी क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन द यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। तो जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो और जो आप गेन कर रहे हो उसका जो रेशियो है वो आपका एमआरटी है। अब आप यहाँ, आपने यहाँ पे 1 गेन को सैक्रिफाइस किया, 1 बटर को गेन किया, राइट। यहाँ पे आपने 2 गन्स को सैक्रिफाइस किया, 2 बटर को गेन किया। यहाँ आपने 3 गन्स को सैक्रिफाइस किया, 1 बटर को गेन किया। यहाँ आपने 4 गन्स को सैक्रिफाइस किया, 1 बटर को गेन किया। यहाँ आपने 5 गन्स को सैक्रिफाइस किया, 1 बटर को गेन किया। यहाँ आपने 6 गन्स को सैक्रिफाइस किया तो आपने 1 बटर को गेन किया। सो यू आर सैक्रिफाइसिंग मोर यूनिट ऑफ वन गुड टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ऑल राइट। और बेसिकली अब आपने क्या किया है, इस पूरे ग्राफ को आपने क्या किया, इस पूरे टेबल को ग्राफ में उतार दिया है। अब जो चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो याद रखना, जो चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, या गन्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो तो वो गन आप लोगे वाई एक्सिस पे, और जो चीज आप गेन कर रहे हो वो आप लोगे एक्स एक्सिस पे। अब जो बटर के नंबर है बहुत ईजी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम ऐसे लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो गन्स है 0, 6, 11, 15, 18, 20, 21, तो ये बेसिकली 3 का टेबल चल रहा है, तो हम 3 के टेबल के हिसाब से यहाँ पे 3-3 के गैप पे नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का गैप रख लेते हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है बहुत एक्यूरेट करें बने। तो अब आपने लिखना है 21 गन्स, तो वाई एक्सिस पे गन्स है तो ये होगी 21 गन्स एंड 0 बटर, तो ये पूरा वाई एक्सिस पे ही आपने एक पॉइंट बना देना है यहाँ पे, ऑल राइट। अब ये आपका पॉइंट बन गया। फिर नेक्स्ट आता है आपने कितने 20 गन्स है और 1 बटर है, अब ये बटर का है तो ये हो गया आपका बटर का, और गन्स कितनी है 20, तो 1 बटर और 20 गन्स, तो ये आ गया आपका बी पॉइंट यहाँ पे। फिर आता है 18 गन्स, ये रहा 18 गन्स और 2 बटर, तो ये हो गया सी पॉइंट। फिर आता है 15 गन्स एंड 3 बटर, राइट। फिर आता है 11 गन्स एंड 4 बटर। फिर आता है 6 गन्स एंड 5 बटर। फिर आता है 6 बटर एंड 0 गन। तो आपने ये पॉइंट्स को मार्क करना है, पॉइंट्स को मार्क करते करते एक कर्व बना देना है, वो आपका बन जाएगा पीपीएफ कर्व। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक पीपीएफ कर्व। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एमआरटी है ये आपका इंक्रीज कैसे हो रहा है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, इसके इंक्रीज होने का रीजन क्या है? इसके इंक्रीज होने का रीजन है वो एजम्पशन है जो मैंने बताया था कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो फुली एफिशिएंट नहीं है सारे गुड्स की प्रोडक्शन करने में। मतलब अगर एक गुड ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा गुड कम बनेगा, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। सो दैट इज व्हाई एमआरटी इज इंक्रीजिंग। अगर ये क्वेश्चन आता तो आपने यही पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, जिस गुड की यूनिट्स को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन दी यूनिट्स ऑफ दी अनदर गुड, एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, दैट इज एमओसी। तो जिसको आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो यूनिट्स आपकी एमओसी है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ अ कॉमोडिटी। जब आप एक कॉमोडिटी की यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो वो आपका एमओसी है टू गेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा गुड को सैक्रिफाइस कर रहे हो एक दूसरी गुड्स को गेन करने के लिए। टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड यू आर सैक्रिफाइसिंग मोर ऑफ अनदर गुड, ऑल राइट, तभी आपका एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमओसी इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड, ऑलराइट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या है एमआरटी। एमआरटी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रेशियो है। किस चीज का रेशियो? यूनिट सैक्रिफाइस एंड यूनिट गेन का। सो यूनिट सैक्रिफाइस टू यूनिट गेन इज एमआरटी। इट इज अ रेशियो ऑफ अ कॉमोडिटी जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कॉमोडिटी। ये हो गया आपका एमआरटी। ऑलराइट, एंड इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। तो पीपीएफ के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले आपको बताती हूँ पीपीएफ बनता कैसे है। पीपीएफ आपका ऐसे बनता है, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग मोर यूनिट ऑफ वन गुड टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड। तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, क्योंकि इस उल्टा रिलेशनशिप किस चीज का? अगर एक गुड आप ज्यादा बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा गुड है वो कम बनेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन गुड टू द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। दैट इज व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रिफाइसिंग अनदर गुड। दैट इज मोर यूनिट ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड by giving away the resources to the another good. So there is an inverse relationship between change in quantity of one good with the change in quantity of the another good. So therefore it slopes downward from left to right. All right. फिर next आता है कि PPF concave shape है। ये जो shape है इसको concave shape बोलते हैं। क्यों है वो concave shape? क्योंकि MRT हमेशा increase होता है। ये मैं already बता चुकी हूँ कि MRT क्यों increase होता है, because we have to sacrifice more units of one good to gain an additional unit of another good. That is why जो हमारा MRT है वो हमेशा increase होता है। I hope आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर फिर भी कोई doubt है you can comment in the comment box so that I can clear your doubts. All right? And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. And if you are interested in online, offline and Zoom classes, you can contact on the number given below. Plus, for the notes, you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.